तो वही हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत में बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास कराने में विफल रही और बेरोजगारी में प्रदेश नंबर वन बन चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पर भी घेरने की कोशिश की, साथ ही कहा पंजाब उत्तराखंड गोवा में बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में परिस्थिति है, सरकार जो है ये बिल्कुल विफल सरकार है और लोगों की तरफ कोई इस प्रकार की नीति नहीं इनकी जो हरियाणा की विकास हो या आगे चले।